أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم class 10th maths आपका जो आज हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.1 के बिल्कुल नीचे से हमारा ये टॉपिक शुरू होगा। पहले हम इसका सारा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसको कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको प्रूव करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जो रूल्स हम लोग आज करेंगे इस लेक्चर में वो रूल्स आपने आगे याद रखने हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर वो बार बार यूज़ होते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया जो हमने कह दिया कि वो क्या है, यूनिटी का क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ये इससे कैंसिल, आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। वन को इधर ला के माइनस कर दें, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम अप्लाई करेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दो इक्वेशन बनी, दोनों को अलग अलग ज़ीरो को इक्वल रख लें, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ से ये तो एक आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, माइनस वन प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन ओवर टू इंटू वन। तो ये आपके पास माइनस वन प्लस माइनस वन के ऊपर कुछ भी पावर हो वन होता है और फोर वन जार फोर ओवर टू, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू। और आपको पता है कि जब ये दो आंसर आपके पास आए हैं, स्क्वायर रूट के नीचे जब माइनस आ जाता है तो हम उसको आयोटा भी कहते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, दोनों तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। एक्स क्यूब था, क्यूब का मतलब है पावर थ्री, जितने पावर्स होती हैं उतने ही आंसर आते हैं। आपके पास एक आंसर है वन, दूसरा आंसर है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू, और तीसरा आंसर है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ, यहाँ जो प्लस वाला है ना उसे ओमेगा, डब्ल्यू एस को ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा का नाम देंगे और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। ठीक है, ये दो नाम है हमारे पास, तीन रूट्स हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
यानी 1। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें जिनको हमने याद रखना है। 1 ये है, 1 1 ही होता है। ओमेगा जो है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमने याद रखनी है। ये हमारी पहली बात थी कि यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 के ओवर 2 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा हम चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू का नाम है, तो इसको एक को ओमेगा कहना है, दूसरे को हमने ओमेगा स्क्वायर कहना है। प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा इसके हवाले से, जिसको हम लोग जो है वो सीखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है हमारे पास ओमेगा, एक वैल्यू है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, दूसरा है माइनस 1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। ये दो वैल्यूज, अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, फिलहाल हम इनको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का नाम, ये दो रूट्स थे हमारे पास, हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ओपन कर दें, नीचे तो आ जाएगा पूरे के 4, और इधर हमारे पास ये माइनस प्लस ये वैल्यू है। हम इधर माइनस वाला फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं और प्लस वाला भी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर माइनस 1 है, तो आप इसको चलें इस तरह लिख लें आसानी के लिए, माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी नीचे 4। स्क्वायर की वजह स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट माइनस 3/4। ये बच जाएगा माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3/4। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/4। 2 1s are 2 2s are, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले। ये देखें, यहाँ से आपके पास हमने 2 कॉमन लेना सिर्फ, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 आ गई, यानी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। ये ओमेगा के इक्वल है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। हालांकि हमने वैल्यू कौन सी पकड़ी थी, प्लस वाली, जब हमने उसको सॉल्व किया सारी वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। जैसे ये माइनस वाली वैल्यू है,
इसका स्क्वायर ले ले, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, एक ये वाला माइनस और एक ये इसके साथ वाला माइनस, फिर माइनस और प्लस टू, माइनस वन और माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, ये बन जाएगा वन। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, तो प्लस, स्क्वायर की वजह से माइनस भी खत्म, स्क्वायर रूट भी खत्म, माइनस थ्री और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, प्लस माइनस माइनस, वन माइनस थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर। वन में से थ्री निकाल दें, माइनस टू प्लस टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, यहाँ से टू कॉमन ले लें, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, टू वन जार टू टू जार, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू। ये आपके पास देखें, हमने ली वैल्यू थी स्क्वायर वाली यानी माइनस वाली, जब स्क्वायर लिया तो वो प्लस बन गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो उसका आंसर जो है वो माइनस वाली वैल्यू आ जाती है, और इसी तरह अगर हम माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये ही हमारी स्टेटमेंट थी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन। ये हमने प्रूव करना है। तो एज वी नो वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी वन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू, ये वन को ओमेगा से करें ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा क्यूब आ गया, इधर वन को करें ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये वैल्यू माइनस वन और माइनस वन, स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर रूट माइनस थ्री, दरमियान में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर टू टू जार फोर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म, यहाँ वन आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर की वजह से ये कट जाएगा, तो आपके पास माइनस माइनस थ्री आ जाएगा और फोर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस थ्री ओवर फोर विच इज़ इक्वल टू फोर बाय फोर विच इज़ इक्वल टू वन, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, यानी तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू वन होता है। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब, जिस तरह हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन याद रखा और उसको यूज़ करते रहे, इसी तरह यहाँ पर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये हमने याद रखना और ये बार बार यूज़ होता रहेगा।